आनी उपमंडल के निथर सब तहसील के पले ही पंचायत में विकास कार्यों में धांधली होने की लोगों ने सरकार और विभाग से शिकायत की है। लोगों का आरोप है कि पंचायत प्रधान के उदासीन रवैये के कारण कई विकास कार्यों के लिए करीब 1.5 वर्ष पूर्ण आया सीमेंट खराब हो चुका है। आरटीआई से यह भी खुलासा हुआ है कि मनरेगा मस्ट्रोल में फर्जी हाजिरियां लगाई गई हैं। कॉलेज में अध्ययन कर रहे कॉमर्स के छात्रों तक की हाजिरी मस्ट्रोल और महाविद्यालय के उपस्थिति रजिस्टर में दोनों जगह पाई गई। लोगों का कहना है कि कई रास्तों के निर्माण का पैसा साल पहले जारी हुआ है, लेकिन मौके पर कोई काम नहीं हुआ है। इससे सरकार द्वारा विकास के लिए जारी धन अथवा योजनाओं का पंचायत और संबंधित सरकारी एजेंसी की लापरवाही से जमीनी स्तर पर लाभ नहीं हो रहा है। लोगों ने तुरंत पले ही पंचायत में हुई धांधलियों के खिलाफ कार्रवाई की सरकार से मांग की है, ताकि पंचायत की गरीब जनता को सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए जारी किए जा रहे धन का समय पर लाभ मिल सके। लोगों का कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे मजबूर होकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। उनका कहना है कि कई मामलों में आरटीआई के भी जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण सुनील कुमार ने बताया, पंचायत में दर्जनों कार्यों में धांधलियां हुई हैं। इसकी शिकायत खंड विकास अधिकारी से लेकर जिलाधीश से उन्होंने की है। उन्होंने बताया यहां तक कि आरटीआई का भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। सुनील कुमार ने बताया, पंचायत में करीब 1.5 वर्ष पहले रास्तों और अन्य कार्यों के लिए सैकड़ों बैग सीमेंट आया था, अब कुछ तो खुर्द-बुर्द हुआ है और कुछ खराब होकर पत्थर बन गया है। उन्होंने बताया, गोतना नामक गांव में सड़क नहीं है, वहां के भी फर्जी रेत की गाड़ी के बिल बनाए गए हैं। उन्होंने बताया, सरकार गांव के विकास के लिए धन जारी कर रही है, लेकिन पंचायत प्रधान और खंड विकास कार्यालय की उदासीनता के कारण लोगों को समय पर इसका लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया, आरटीआई का भी जवाब नहीं दिया जा रहा है और न ही शिकायतों पर ईमानदारी से कार्रवाई हो रही है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। इस हालत में अब ग्रामीण भी भ्रष्टाचार के आगे घुटने टेक चुके हैं। मेरा नाम सुनील है, मैं ग्राम पंचायत प्लेई से बिलोंग करता हूँ। मेरी पंचायत में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे हो रहा है, और जो प्लेई पंचायत में जितने भी आज तक वर्क हुए हैं उसमें बहुत सारी धांधली हुई है, जो कि खासकर जैसे कि मुंडा पानी की एक स्कीम है, आज तक उस स्कीम में कोई भी कार्य नहीं हुआ, जबकि प्रशासन ने इनकी जो भी वीडियो आनी है, चाहे ग्राम पंचायत प्लेई का प्रधान है, उसने यानी कि वो काम दर्शा दिया है, जबकि मौके पर वहाँ पर कोई काम हुआ नहीं है। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन पे यानी कि बहुत सारा सीमेंट भी ऐसा ही पड़ा है, बहुत सारे पंचायत के, मैंने प्रशासन को कई बार लिखित रूप में दिया है, कई बार मैं वीडियो से मिला हूँ, बहुत बारी डीसी से मिला हूँ, क्योंकि ये सारा ये प्रशासन के नाक के नीचे सारा काम हो रहा है। यहाँ का प्रधान है, वो पंचायती राज ऑडिट से रिटायर हुआ है, और उसने भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर किया है, जिसने मैंने आरटीआई की तहसे भी लिया है। दीपराम ने बताया कि गांव के लिए पानी का स्टोर टैंकर बना है, लेकिन पंचायत द्वारा निर्माण सही ना करने से टैंक में पानी सारा रिस रहा है। उन्होंने शिकायत भी की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वे चाहते हैं कि इस टैंक को ठीक कर ग्रामीणों को लाभ मिले। मेरा नाम दीपराम है, मैं ग्राम पंचायत पलई का निवासी हूँ। जो ये टैंक बना हुआ है सर, इसमें 1 लाख रुपए का टैंक है, जबकि इसमें पानी टिकता ही नहीं है। हमने कोशिश 2 बारी 3 बारी कर दी है कि इसमें पानी टिक नहीं रहा है। ये हमारी पाइपलाइन है, जो इधर से हमने 2-3 बारी के 4 बारी कोशिश करी है, फुल करी है, उसके बाद इसमें पानी टिकता नहीं है। रामलाल ने बताया कि रेचे से सानना के पैदल रास्ते के लिए सरकार द्वारा लाखों रुपए स्वीकृत हुए थे, टाइलें भी लगनी थी, लेकिन रास्ता बना ही नहीं, इसकी भी जाँच हो। सर, मेरा नाम रामलाल है, मैं प्लेई पंचायत से बिलोंग करता हूँ। इस रास्ते के लिए मतलब 2.5 लाख रुपया सेंक्शन हुआ था सर। जो ये रास्ता दिख रहा है ना सर, यहाँ से रैची से सानना के लिए, इस रास्ते के लिए 2.5 लाख रुपया सेंक्शन हुआ था। इसमें ना तो अभी टाइलें पड़ी है, टाइलें भी इसके लिए आ गई हुई है, टाइलें वगैरह सब कुछ, रेत सीमेंट वगैरह सब कुछ आया हुआ है, वो मटेरियल बिल्कुल सड़ के ख़त्म हो चुका है, मतलब जो कि हमारे वार्ड पंच ने अपने घर में रखा हुआ है, इसमें कोई काम नहीं हुआ है, मतलब टाइलें वगैरह कुछ नहीं लगी हुई है, जो आपको यहाँ दिख रहा है सर। उधर दूसरी ओर खंड विकास अधिकारी आनी हरि सिंह ने बताया कि सुनील कुमार की शिकायत पर कनिष्ठ अभियंता और पंचायत निरीक्षण की टीम बनाई गई थी। उन्होंने मौके पर जाकर कार्यों का अवलोकन किया, उसके बाद जो रिपोर्ट बनाई है वह जिला पंचायत अधिकारी को भेज दी गई है।
जिला पंचायत अधिकारी ने बताया कि पंचायत प्रधान को शोकाज नोटिस जारी किया गया है, बाकी कार्य अभी अधूरे हैं, उनका आंकलन अभी नहीं हुआ है।